तो आपने थंबनेल पढ़ लिया है, टॉपिक पढ़ लिया है, क्या है? तो आज हम बात करेंगे कि लड़की ले जाने से पहले होटल में, प्राइवेट प्लेस पे, होटल में जानिए कुछ बातें, ऐसी कुछ प्री लीगल टिप्स जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, आपने देखा होगा होटल में कुछ कपल्स, अनमैरिड कपल्स फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। उन्हें अवेयरनेस नहीं होती और वो पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस का क्या रोल है, क्या वो रेड डाल सकती है, मतलब क्या रूल्स है, क्या अगर दो कपल्स, अनमैरिड कपल फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं या फिर कुछ पर्पस के लिए जाते हैं तो वो कोई क्राइम है या नहीं। सो इन दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रो। Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Alright, so the first and very basic factor is age factor. Yes, अगर आपकी एज है, कुछ भी हो, it doesn't matter, but 18 साल से अबव होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में जो मेजॉरिटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 18 ईयर्स के बाद जो पर्सन होता है वो मेजर माना जाता है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए लाइबल होता है। गॉट इट? अब मान लो आप एज फैक्टर का ध्यान नहीं रखते, मान लीजिए फीमेल है जो, उसकी जो एज फैक्टर है, एज है वो 18 से कम है, गॉट इट, भले ही उसकी मर्जी हो, और आप जाते हो फिजिकल रिलेशन बनाते हो और कल को कुछ बात होती है तो आपके ऊपर केस हो सकता है अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी मर्जी से है ये, तो आपको बता दें यहाँ पे कोई मर्जी नहीं देखी जाएगी क्योंकि वो 18 साल से नीचे है। दैट्स क्लियर, गॉट इट? एंड द सेकेंड फैक्टर इज साउंडनेस। आपको साउंडनेस देखना है, यानी कि कोई किसी की मेंटली हालत ख़राब तो नहीं है, भले वो फीमेल पार्टनर हो, मेल पार्टनर हो। तो आप ध्यान रखें कि उसकी जो मेंटल पावर है वो ठीक हो, यानी कि वो थोड़ा पागल ना हो या पागल नहीं हो, कुछ भी ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशंस बनाते हो और कल को कुछ बात होती है तो आपके ऊपर केस हो सकता है कि आपने एक अनसाउंड पर्सन के साथ अबेटमेंट का, यानी कि उसको बहका के भगाने का और उसके साथ सब कुछ करने का। नॉट इट? तो साउंडनेस का ध्यान रखिए। एंड द थर्ड थिंग इज आइडेंटिफिकेशन। तो जब भी आप कभी अनमैरिड कपल, फीमेल हो या मेल हो, तो आप अपनी एक प्रॉपर आईडी ले जाएं। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, अब किसी होटल में आप जाते हो तो दोनों पर्सन की आईडी लगती है। आईडी के तौर पे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हो। देने का मतलब ये नहीं है आप उन्हें दे ही दो, बस आपको दिखाना है, वो आपको फ़ोटो कॉपी करके वापस रिटर्न कर देंगे। नॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज वेपन, यानी कि कभी भी आप प्राइवेट जगह पर कभी भी ऐसा कोई वेपन ना ले जाएं, भले ही वो छोटा सा चाकू हो, कुछ भी हो, आप ना ले जाएं, भले ही वो आपके मोटिव से हो या बाई मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ सामान लेके जाते हैं, कुछ बैग कैरी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मान लो बाई चांस गलती से बाई मिस्टेक कोई नाइफ निकल आया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर दैट कभी भी आप कोई ऐसा वेपन ना ले जाएं, भले ही वो इंटेंसली हो या अनइंटेंसनली। गॉट इट? फॉर बोथ पार्टनर्स, मेल एज वेल एज फीमेल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कोई कैसे ले जाएगा बैग में डाल के, तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मैं स्कूल जाता था, तो एक दिन मैं अपना रिमोट स्कूल में ले गया, टीवी का रिमोट स्कूल में ले गया बाई मिस्टेक। तो आप ध्यान रखिए कोई आपके पास वेपन ना हो बैग में बाई मिस्टेक, चेक करके जाइए। तो अगर आपके पास वेपन पाया जाता है तो आर्म्स एक्ट का केस बन सकता है। गॉट इट? सो द नेक्स्ट थिंग इज रिकॉग्नाइज होटल और रेस्टोरेंट, वट एवर इट इज। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप जाइए तो एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेस पे जाइए, यानी कि थोड़ी जान पहचान वाली। जान पहचान वाली ये नहीं कि आप कोई आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड हो, यानी कि उसकी कुछ सोसाइटी में रेपुटेशन हो। नॉट इट? सोसाइटी में रेपुटेशन होगी तो वहाँ पर कम चांस होंगे कुछ ऐसा वैसा होने का। तो आपको अगर नहीं पता है कि वो रिकॉग्नाइज है तो आप नेट पे, इंटरनेट पे, सोशल साइट्स पे पता कर सकते हो। गॉट इट? सो ओके, तो अब हम बात करेंगे पुलिस के रवैये की, यानी कि अगर होटल में पुलिस आ जाए तो क्या क्या कर सकती है वो, और क्या क्या उन्हें राइट्स है और क्या क्या आपको राइट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी होटल में पुलिस आती है
तो वो आ सकती है, उसे पूरा राइट है चेक करने का, उन्हें सब कुछ राइट्स है, क्योंकि उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है किसी भी क्राइम को रोकना. गॉट इट. आजकल क्या होता है, यानी कि मोस्टली क्या होता है कि जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो क्राइम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन है, वो क्या होता है होटल्स में होता है ज़्यादातर. तो वो होटल में रेड इसलिए डालते हैं कि क्या कभी कहीं कोई वेश्यावृत्ति तो नहीं हो रही, यानी कि पैसे ले दे के कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं कर रहा. गॉट इट. तो इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल चेकिंग कर सकते हैं. गॉट इट. तो उन्हें पूरा राइट है होटल में रेड मारने का. अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. अब घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया. गॉट इट. आपने कोई क्राइम नहीं किया. आपकी एज 18 से अबव है, आपके पास कोई वेपन नहीं है, आपका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको कहीं भी घूमने की आज़ादी है, यानी कि आप कहीं भी घूम सकते हो, फिर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. गॉट इट. और प्री लीगल टिप्स में आपने कंडीशंस फॉलो की हुई हैं तो. गॉट इट. तो अब हम बात करते हैं पुलिस के रवैये की. तो होता क्या है, जनरली पुलिस वाले पूछते हैं और कुछ लोग कपल्स डर जाते हैं. तो आपको सिंपल उनको बताना है कि हमें अंडर आर्टिकल 21 के तहत हमें राइट है, हमारी पर्सनल लिबर्टी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हम घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारी एज है वो 18 से अबव है और हमने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लगाई हुई है. गॉट इट. तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. और होटल में जाके आप अपना कोई फन करना, कुछ करना, कोई भी क्राइम नहीं है, क्योंकि होटल एक प्राइवेट पैलेस है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जो आप कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो. और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो और आप डर रहे हो या कुछ भी हो रहे, तो आप ये बातें ध्यान रखिए, एक आर्टिकल 21 यानी कि पर्सनल लिबर्टी. नॉट इट. एंड सेकेंड थिंग इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर, और आप 18 साल से अबव हो. नॉट इट. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो.